डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी का पूरा और सही नाम लिखने का प्रायः स्वागत होता है, तब क्या कारण कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का नाम उसी रूप में लिखने पर हाय तौबा हो रही है। कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस पर तरह तरह से आपत्ति की है, जबकि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर अपना यही नाम लिखते थे। इस आपत्ति पर विचार करें तो हमारी बौद्धिकता की दुर्गति दिखती है। निस्संदेह आपत्ति करने वालों को असली कष्ट राम जी से है। यदि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम राम जी के बदले कोई प्रमोद जी, प्रशांत जी आदि होता, तब शायद ही कोई विद्वानता होता। लेकिन वह राम जी होने से हर कार्यालयों में राम जी का नियमित स्मरण होगा। इससे बौद्धिकों को तकलीफ है, यही बात ध्यान देने की है। राम जी या राम नाम से बैर, यह यहाँ बौद्धिक शैक्षिक विमर्श और गतिविधियों में बार बार दिखा है। अयोध्या में राम मंदिर प्रश्न पर भी कई इतिहासकारों और अंग्रेजी मीडिया ने जोरदार तरीके से राम जी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। 1989 में जेएनयू के इतिहास विभाग द्वारा पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का राजनीतिक दुरुपयोग नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, हरवंश मुखिया, मृदुला मुखर्जी आदि 25 वामपंथी उसके लेखक थे। उसमें राम को परिकल्पना बताया गया था। इन्हीं इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की बातों के बल पर फिर अमेरिकी लेखक वेंडी डोनिजर ने द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री 2009 नामक किताब लिख डाली। इसमें भी राम जी का तरह तरह से मजाक बनाया गया। पैराग्राफ चेंज। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास पाठ्यक्रम में भी 300 रामायण जैसे लेखों के माध्यम से राम जी के प्रति उल जुलूल ही पढ़ाया जाता रहा। फिर जब तमिलनाडु में राम सेतु तोड़कर व्यापारिक मार्ग बनाने पर उद्वेलन हुआ, तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम मिथकीय चरित्र हैं, इसलिए राम सेतु भी गल्प है, अतः उसे तोड़ने में कोई सांस्कृतिक बाधा नहीं है। अभी 4 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक मंच पर राम जी का चित्र लगा होना देश के चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगा था, जबकि उसी चुनाव आयोग को अपने धर्मावलंबियों द्वारा अपने पैगंबर के नाम, धर्म पुस्तकों और श्रद्धा प्रतीकों के प्रयोग प्रचार पर कभी आपत्ति नहीं की जाती। शासन और सरकार भी उनका ख्याल करते हुए सड़क, चौराहे, रेलवे स्टेशन आदि पर किसी अनजान मामूली तोड़फोड़ से उन्हें कभी कोई संकोच नहीं होता। यह सब क्या बाता है? यही कि राम जी वास्तविक हो या काल्पनिक, अथवा केवल एक शब्द, एक नाम, हर हाल में उनकी उपेक्षा होनी चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए। वह भी कहाँ, भारत भूमि में, जहाँ अनादिकाल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविध स्थान और रीतियां सियाराम में रहे हैं। वहाँ डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का बौद्धिक राजनीतिक विरोध कितना विचित्र और दुष्टापूर्ण है, जरा सोचना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर अंबेडकर के नाम में शामिल राम शब्द का उपयोग किए जाने पर आपत्ति जताने वाले यह
सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण नाम लिखने के पीछे राम नाम लेने का उद्देश्य है, पर वे क्यों भूलते हैं कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इसे वही सम्मान दिया था जो संपूर्ण भारत में सदैव रहा है। उन्होंने हिंदू समाज की चालू कुरीतियों की आलोचना की थी, हिंदू दर्शन या पुराण की नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर तो बौद्ध धर्म में भी हिंदू ज्ञान का अवदान मानते थे। इसलिए जब हिंदू धर्म की अनुचित निंदा होती थी तब डॉक्टर अंबेडकर उसका बचाव करते थे। उनके अपने शब्दों में हिंदुओं में सामाजिक बुराइयां हैं, किंतु एक अच्छी बात है कि उनमें उसे समझने वाले और उसे दूर करने में सक्रिय लोग भी हैं, जबकि मुस्लिम यह मानते ही नहीं कि उनमें बुराइयां हैं और इसलिए उन्हें दूर करने के उपाय भी नहीं करते। समाप्त।